नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया। भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं। अपने दिमागी घोड़े खोलने के लिए पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री और सिविल लीडरशिप इन दिनों दिमागी कसरत में लगी हुई है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से बुरी तरह से धोबी पछाड़ खाने के बाद वो अपने देश की आवाम के दिलों में भरोसा कैसे पैदा करे। आईसीजे में किरकिरी के बाद से पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। शायद इसीलिए 8 जून को आईसीजे में होने वाली अगली सुनवाई से पहले पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। बुधवार को हुई पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक की अगुवाई खुद पीएम नवाज शरीफ ने की। इस बैठक में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल जुबैर हया, नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद जकाउल्लाह, एयर चीफ सोहेल अमन और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नावेद मुख्तार शामिल हुए। वहीं 8 जून को होने वाली बैठक में बड़े अधिकारी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि डॉन लीक मामले के बाद पहली बार नागरिक सरकार और देश की सेना के टॉप प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जब एक दिन पहले पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल अश्तर औसफ अली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर बनी संसदीय कमेटी के सामने पेश हुए। इसमें अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पाकिस्तान अपने एडहॉक जज को आईसीजे में तैनात करेगा। इसके अलावा वो खुद अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तानी लीगल टीम की अगुवाई करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जाधव के अलावा देश के आंतरिक और सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर भी नेताओं और अफसरों में बातचीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सपोज इंडिया। आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।